जो मर्जी खड़ा हो जाए, खंबा खड़ा हो जाए, वोट पीटी आई दा। क्यों अगे तीन चार दफा नून लीक नजमा लिया है? सही हकदार तो वो पीटीआई है। आपको क्या लगता है कि वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं कि यहाँ से आपकी नुमाइंदगी बेहतरीन तरीके से करेगा? यहाँ से राणा राव साहब। राणा साहब मुस्लिम लीग नून? हाँ जी। राणा अब्दुल रऊफ। राणा अब्दुल रऊफ ये तो हो गए सूबाई असम्बली के, और राणा अब्दुल रऊफ साहब तो तकरीबन अब सदाबहार सूबाई असम्बली के मेंबर है, तो कौमी असम्बली में? कौमी असम्बली में मियां आलमदार लाले का पीएमएल है। नहीं शेर? अच्छा, क्यों? शेर बहावल नगर का है जी। पीएमएलएन क्यों जी? वो उन्होंने बहुत काम किए हैं। पीटीआई? पीटीआई क्यों सर? पीटीआई ने बहुत काम किया है। उनके नुमाइंदों को उठाया जा रहा है और जो है उनको कंपेन नहीं करने दी जा रही, रैली नहीं निकालने दी जा रही, ये जुल्म हो रहा है। और जो है ना, हम इंशाल्लाह के साथ हैं और पीटीआई को वोट जो दो बहावल नगर में, और कौमी असम्बली का हल्का है NA 161 जो 2018 में NA 167 था। अगर इस हलके की बात की जाए तो 2018 में यहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर आलमदाद लालेका साहब ने मुकाबला किया था, और उनका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से मैदान में आए थे जनाब मुमताज़ मतियाना साहब। इन दोनों के दरमियान वोटों का फ़र्क तकरीबन 40,000 का था, और 40,000 का फ़र्क लेकर आलमदाद लालेका यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये नशिस्त जीती थी। अगर मजमूई तौर पर हम डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर की बात करें तो यहाँ पर 4 नशिस्तें थी 2018 में, और उस वक्त भी यहाँ से 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती थी, जबकि 1 नशिस्त आज़ाद उम्मीदवार ने अपने नाम की थी। और सूबाई असम्बली की यहाँ पर 8 नशिस्तें थी, और अब भी 8 हैं। पिछली बार यानी 2018 में 8 में से 6 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती थी, जबकि सिर्फ 2 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार जीत पाए थे। और इस हलके में जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, इसका नंबर मैं आपको बता चुका हूँ कि NA 61 जो 2018 में NA 167 था। तो आइए बहावलनगर के लोगों से बात करके देखते हैं कि अब ये क्या सोच रहे हैं। सर, आपसे एक छोटा सवाल है, ये बताइए कि अब फिर आ गया इलेक्शन, तो फिर आपको क्या लगता है कि वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं कि यहाँ से आपकी नुमाइंदगी बेहतरीन तरीके से करे? यहाँ से राणा राव साहब। राणा साहब मुस्लिम लीग नून? हाँ जी। अच्छा, क्यों? बस इधर के तो वो मामला हल करते हैं ना। और कौमी असम्बली? कौमी असम्बली में तो फिर बेटी है, क्या बात। आपको क्या लग रहा है, आइंदा इलेक्शन आ रहा है तो फिर कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं कि आपके वोट का यहाँ से सही मानों में हकदार? राणा अब्दुल रऊफ। राणा अब्दुल रऊफ ये तो हो गए सूबाई असम्बली के, और राणा अब्दुल रऊफ साहब तो तकरीबन अब सदाबहार सूबाई असम्बली के मेंबर है, तो कौमी असम्बली में? कौमी असम्बली में मियां आलमदार लाले का पीएमएल है। नहीं शेर? अच्छा, क्यों? शेर बहावल नगर का है। अच्छा, और बहावल नगर से इंशाल्लाह हमेशा से शेर जीता आया, और आप भी जीतेगा इंशाल्लाह जी। पीएमएलएन क्यों जी? वो उन्होंने बहुत काम किए हैं हमारे पंजाब में, मोटरवे बनाया, सब कुछ बनाया। अच्छा, लेकिन वो ही जीतेगा इंशाल्लाह। पीटीआई? पीटीआई क्यों सर? पीटीआई ने बहुत काम किया। अच्छा, उन्होंने पनागाह बनाया और शनाख्ती कार्ड पे ऑपरेशन होते रहे, कितने लोगों को बहुत फायदा हुआ। सेहत कार्ड ने खुद करवाया, हमें सेहत कार्ड में बहुत फायदा हुआ। आपको क्या लग रहा है, अब आइंदा आ रहा है इलेक्शन फिर, तो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार आप समझते हैं कि सदाए बहावल नगर बन के असम्बली में पहुंचे, और कौन सी पार्टी हुकूमत बनाए? इंशाल्लाह ऑलवेज पीटीआई। अच्छा, क्यों? बस अपनी अपनी चॉइस होती। अरे भाई, वो जेल में है, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, हमेशा टाइम एक जैसा नहीं रहता, इंशाल्लाह टाइम आएगा। ये जो हमारा शेर है ना, यही शेर रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये सारे बाकी बेकार है। अच्छा, और जो नवाज शरीफ है इंशाल्लाह वही कामयाब है। क्यों? वो इसलिए कि उसने पहले भी मईशत को ठीक किया था, आप भी करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह के हुक्म से आपको लगता कर ले? इंशाल्लाह होएगा। अच्छा, और वो दिन दूर नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा, अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। जो भी आएगा इंशाल्लाह नेक इंसान आएगा। वैसे आप ना मुझे पूरे पाकिस्तान में पहले आदमी मिले हैं जो कह रहे हैं नहीं यार ये सारी ठीक है, इनमें से जो भी आ जाए वो नेक है। नहीं, जो आखिर आपके इत्मीनान की क्या वजह है? ये कहता हूँ कि इस दफ़ा इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से जो भी आएगा वो अच्छा होगा। अच्छा, क्योंकि बहुत एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं अभी। सर जी, हम तो पीटीआई को देंगे। पीटीआई? पीटीआई क्यों सर? बस वैसे ग्रेट लीडर है। अच्छा? हमसे मुराद आप दोनों हैं? मैं नून लीग हैं। आप नून लीग जी? अच्छा, वैसे नून लीग वाले बताएं, देखें मोटरसाइकिल पे बिठा के फिर रहे हैं क्या? जी अच्छा, आपको आपकी पार्टी कुछ कहेगी नहीं? नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं कहेगी। पीटीआई वाले बहुत जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। पीटीआई? अच्छा, जो मर्जी खड़ा हो जाए। अच्छा, खंबा खड़ा हो जाए, वोट पीटीआई दा। क्यों?
अगे तीन चार दफा नून लीग नजमा लिया है। अच्छा। जो बुरा वक्त आता बहर चले जाते हैं लीडर साढ़ा जेल के अंदर है बुबर शेर नून लीग क्यों क्योंकि हम शुरू से उन्हीं के साथ चल रहे हैं। अच्छा। और वो बेस्ट है मेरे हिसाब से तो पीटीआई के उम्मीदवार जो भी हो। अच्छा क्यों क्योंकि उन्होंने काफी काम किया इधर। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मालूम है? तो हमारे में तो नून लीग के हैं मुस्लिम लीग के हैं शुरू से। यानी आप समझ रहे हैं बहावल नगर फिर मुस्लिम लीग। हाँ शुरू से मुस्लिम लीग से। अच्छा वैसे क्या वजह है बहावल नगर वाले मियाँ साहब से कुछ ज़्यादा मोहब्बत कर? हाँ ये ज़िला बहावल नगर जो है ना हाँ। ये मेरे ख्याल है कि जितनी दफ़ा मियाँ साहब इलेक्शन लड़े हैं ये सब सीटें जितनी एमपी एमएलए के सब इनको आइन तोड़ा गया। हाँ। पंजाब असम्बली में और केपीके असम्बली के अंदर जो टूटी थी उसकी जो मुद्दत ख़त्म हो गई थी इलेक्शन होने चाहिए थे नहीं हुए उसका राइट बनता था इलेक्शन का उसको रोका गया उसे जबरी तौर पर हर जगह रोक रहे हैं उसको और उनके नुमाइंदों को उठाया जा रहा है और जो है उनको कंपेन नहीं करने दी जा रही रैली नहीं निकालने दी जा रही ये जुल्म हो रहा है और जो है ना हम इंशाल्लाह के साथ हैं और पीटीआई को वोट दें। हम तो शेर के साथ हैं जी शेर को वोट देंगे जी। अच्छा क्यों जी शेर गरीबों का साथी है जी। अच्छा हाँ जी लेकिन उन्हीं के दौर पे तो कहते हैं कि महंगाई आ गई थी जब ये 16 महीने 60 रुपए पेट्रोल दिया 35 रुपए किलो आटा खुलाया इस चोर ने जमीन पे बेड़ा गर्क कर दिया इमरान खान ने जो नया पाकिस्तान बनाने आया था जी। अच्छा हाँ जी हमारे हमारे गरीबों को धोखे गया वो। अच्छा हाँ जी अब शेर इंशाल्लाह शेर नून लीग जिंदाबाद। आपको क्या लग रहा है कि अब आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मालूम है? सही हकदार तो वो पीटीआई है। क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आसाम में आपके वोट का सही को देंगे? क्यों भाई बस खान से मोहब्बत है यार। अच्छा, खान से मोहब्बत हो गई ये ताज़ा हुई है या पहले भी? इंशाल्लाह शेर तो ही है इंशाल्लाह इया का ना बुध भैया का नस्ता है एब्सोल्युटली नॉट एब्सोल्युटली नॉट इया का ना बुध भैया का नस्ता है। कैदी नंबर 804 वो जो डियाला में बैठा है वो जिसके हाथ में तस्बीह है वो जो कासिम का अब्बा है वो जो शौकत खानम का बेटा है ये सारी टर्मिनोलॉजी एक ही शख्स के लिए।